तो जय हिंद दोस्तों, बीएसएफ ट्रेड्समैन का दोस्तों फिजिकल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। 18 इसका फिजिकल शुरू है। तो दोस्तों इसमें दोस्तों कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना बहुत जरूरी, नहीं तो आपको सेंटर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कितना फोटो लेके जाना है, कितना दिन रहने का व्यवस्था वहां पे दोस्तों आपको करके जाना है, कितना दिन में दोस्तों आपका सारा चीज कम्प्लीट हो जाएगा, उसकी ए टू जेड पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूँ। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन में दोस्तों आपका फिजिकल कब से लेकर कितना तक चलेगा, और दोस्तों एक चीज बता दूं इसमें दोस्तों कितने दिन तक दोस्तों आपको वहां पर रहना पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन में दोस्तों सबसे पहले आपका क्या होने वाला है, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, 5 किलोमीटर का रनिंग होने वाला है। उसमें दोस्तों आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, सबसे जरूरी चीज दोस्तों बता दूं, दोस्तों आपको ओरिजिनल और कॉपी दोनों लेके जाना है। दोस्तों जैसे पहले आपको जेरस कॉपी भी लेके जाना है और इसका ओरिजिनल भी लेके जाना है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट जिससे आपने फॉर्म अप्लाई किया है, और दोस्तों उसके बाद जो भी दोस्तों फॉर्म अप्लाई के टाइम पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया था वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको लेके जाना है वहां पे सेंटर में, बीएसएफ का जो सेंटर है वहां ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको वहां पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं लेके जाते तो आपको वहां पे रिजेक्ट कर दिया, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 5 फोटो लेके जाना है, 5 से ज्यादा फोटो लेके जाइएगा। मेरा बात मानिए, सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चैनल का आपका भाई का एक्सपीरियंस है, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 5 से ज्यादा फोटो आपको लेके जाना है बीएसएफ ट्रेड्समैन में दोस्तों, 5 से ज्यादा फोटो लेके जाइएगा। लेकिन दोस्तों आपके नोटिफिकेशन में जो एडमिट कार्ड के नीचे में लिखा वहां 5 ही फोटो लिखा हुआ, लेकिन आप 6-7 फोटो लेके जा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों वहां पे क्या होना है, सबसे पहले दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा, फिर दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होने वाला दोस्तों, तो उसके बाद आपका ये होगा दोस्तों, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये आपका बहुत ही जरूरी है। और दोस्तों ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी एसी एसटी और दोस्तों आपका एसी सर्टिफिकेट जो भी आपने अप्लाई करने टाइम दिया था वो दोस्तों आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा दुख की बात है। आप इतना मेहनत से वहां गए, आपको बाहर निकाल दिया, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लेके जरूर जाना ओरिजिनल, ठीक है। और दोस्तों सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए, मैंने तो आपको पहले वीडियो में बताया था। तो सेंट्रल फॉर्मेट में दोस्तों आपको एसी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और कितने दिन में इसका प्रोसेस कंप्लीट होता है दोस्तों, नेक्स्ट ईयर प्रोसेस लगा है दोस्तों, करीबन 3 से 4 दिन तक इनका प्रोसेस लग गया था। अब की बार भी दोस्तों इन्होंने भी नोटिफिकेशन लिखा कि 5 दिन तक आप लग सकते हैं, तो 5 दिन का व्यवस्था करके आपको वहां पे जाना है खाने पीने का। और दोस्तों बता दो, चना केला ब्रेड ये सब ऐसी चीजें हैं जो दोस्तों आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये चीज आपके पास नहीं है फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ब्रेड वगैरह आप लेके जाएं अपने साथ, चना वगैरह कुछ भी दोस्तों ऐसी चीज लेके जाएं जो आप वहां पे खा सकें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको वहां प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों ये आपके सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेटिव का एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए वो आपको एक्सपीरियंस होल्डिंग के साथ बोल रहा है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वहां पे दोस्तों 3 से 4 दिन तक का आराम से समय लग जाता है आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में। उसके बाद दोस्तों आपको एग्जाम के लिए 1 से लेकर 2 महीने तक का टाइम देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम आपका नहीं होगा वहां पे। ये चीज का बहुत भ्रम है बहुत लोगों की, भाई एग्जाम भी हो जाएगा क्या वहां पे, तो नहीं दोस्त, उसका आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम अभी नहीं होगा आपका, पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड का टेस्ट होगा, उसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट होने वाला है। ट्रेड टेस्ट जो पास करेंगे उसके बाद दोस्तों आपका एग्जाम का दोस्तों फिर से आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर दोस्तों आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम में भी सबसे अच्छा चीज है दोस्तों, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, इसमें आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, और दोस्तों आपका क्या बोलते हैं हिंदी आने वाला, हिंदी या इंग्लिश में से एक आप सब्जेक्ट ले सकते हो, माइनस मार्किंग है नहीं, सबसे अच्छा चीज है दोस्तों, ठीक है। मैथ आपका रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, और दोस्तों आपका हिंदी या इंग्लिश में आप कोई भी ग्रामर लेके आराम से एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम उतना हार्ड नहीं होता है, इजी लेवल का होता है, लेकिन दोस्तों कट ऑफ हाई जाएगी, किसी कट ऑफ हाई जाएगी दोस्तों, कुक की आपके कट ऑफ हाई जाने वाली है। इसका बात आपको याद रखना है कि कुक में दोस्तों बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो कुक का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, ये हर साल का रूल है दोस्तों। अगर आप सोचते हो कि 30 नंबर ला के आपका नौकरी हो जाएगा, तो दोस्तों आप गलत फहमी में, 30 नंबर में कभी भी जॉब नहीं होता है, मिनिमम दोस्तों आपको 50 से ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों पोस्टें बहुत ही कम निकली, बहुत ज्यादा पोस्टें नहीं है हमारे देश में, आबादी इतनी है, और दोस्तों पोस्टें निकली 2000 और भी स्टेट वाइज डिवाइड करने के बाद 50, 30, 40, 50, 20, 25 इस टाइप की पोस्टें हैं, क्योंकि स्टेट में 2-3 दिन पोस्टें निकली होंगी, तो दोस्तों उस लेवल आपको कंपटीशन लेवल रहना चाहिए। दोस्तों अपनी तैयारी को उसी लेवल में करके रखना और करके जाना, बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जल्दी हो भगवान करे, मेरा दोस्तों आशीर्वाद है आप लोगों के साथ। और दोस्तों आप लोग ऐसे मेहनत करते रहें, जय हिंद जय भारत, गर्व से गौरव हिंदुस्तानी है, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और दोस्तों
अपने मेहनत को पूरा दोस्तों जड़ कहो, रनिंग में दोस्तों फेल नहीं होना है। मैंने वीडियो भी अपलोड किया, आप देख सकते हैं रनिंग में कितने कम बच्चे क्वालिफाई होते हैं, चाहे वो दोस्तों किसी चीज का भी रनिंग हो। मैंने प्रीवियस वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, हाइट मेजरमेंट वगैरह का कैसे वहां पे कौन सा ये से हाइट मेजरमेंट होता है वो भी मैंने दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और कैसे दोस्तों कितने बच्चे करते हैं, कितने बजे सिलेक्ट होते हैं, मैं वीडियोज भी आपको डालते रहूंगा। पहले की वीडियोज मेरे पास अवेलेबल है, तो वो सब वीडियो में अपलोड करते रहूंगा। और दोस्तों आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसे इंटरव्यू के साथ। जय हिंद, जय भारत, गर्व जगह हिंदुस्तानी है, वंदे मातरम, भारत माता की जय।